हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सीड प्लांटिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए देखिए, मिट्टी को तैयार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसको खोद रहे हैं मिट्टी को, बहुत हल्का हल्का। और अगर इसमें कुछ कूड़ा वगैरह है तो उसको निकालेंगे। और आज हम प्लांट करने जा रहे हैं ये मस्टर्ड सीड्स, जो कि हिमालयन ऑर्गेनिक्स की तरफ से आए हैं। और इसमें काफ़ी मतलब अच्छे सीड्स हैं, जिनको हम मिट्टी में बोएंगे और ये रेडी हो जाएंगे 7 to 14 days में। ये ऐसा क्लेम किया गया है इस पैकेट पे। वो तो हमें खुद ही देखना होगा कि कितने दिन में ये ग्रो करते हैं। बट दे आर रिच इन विटामिंस, मिनरल्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। जो ये मस्टर्ड ग्रीन्स कलेक्ट करेंगे, उनको आप मैं पीछे दिखाऊं। ये देखिए, हमारी मिट्टी काफ़ी तैयार हो गई है। इसके पीछे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको करने का क्या तरीका है। तो ये पॉटिंग ट्रे के लिए हैं ये सीड्स, जिसमें आप कोकोपीट डाल सकते हैं। फिर आपको सीड्स स्प्रिंकल करके बहुत हल्की सी मिट्टी से उनको दबाना है, और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा पानी डालना है और इनको ग्रो होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और जब तैयार हो जाएंगे तो हमें इनकी जस्ट कटिंग करनी है, ताकि रूट्स इनकी बस डैमेज ना हो। और ये जो मस्टर्ड ग्रीन्स तैयार होंगे, इनको हम रैप्स, सूप्स, सैलड्स, स्मूदीज, सैंडविचेस, इन तरीके से ग्रो यूज़ कर सकते हैं। इन सैलड ग्रीन्स को बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे हम लोग पुदीना पत्ती या धनिया पत्ती वगैरह वो करते हैं, यूज़ करते हैं एज ड्रेसिंग, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हिमालयन ऑर्गेनिक्स की तरफ से हैं मस्टर्ड सीड्स। अब हम इनको बोते हैं, ठीक है। इनको आप बोइए, अब बहुत हल्की सी मिट्टी उसके ऊपर दबानी होगी, ठीक है। और स्प्रिंकल करने हैं। ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है, हल्का सा हमने इसको वो कर लिया। और अगर आप चाहें तो इसमें जो पॉट्स होते हैं उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, घर घर में ही। अरे उधर नहीं, इधर करिए, इधर करिए ना, साफ जमीन पे। बस ऐसे हाथ से इसको स्प्रिंकल कर देना है, ये जितनी भी। और इसके ऊपर बहुत थोड़ी सी मिट्टी बस डाल दो, साफ सी मिट्टी, बहुत थोड़ी सी ऐसे, हाँ, क्लीन सी मिट्टी बस। और हल्का सा पानी भी डालना है, स्प्रिंकल करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों के सीड्स जो हैं कुछ दिन में तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें देखते हैं, इन्हें उठा के हल्की सी इनके ऊपर बस मिट्टी डाल दी है, ठीक है दोस्तों। फिर हमारी और वीडियो आप फॉलो अप वीडियोस देखिएगा, जिसमें हम दिखाएंगे कि हमारे ये मस्टर्ड ग्रीन्स कैसे हो गए। इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा मतलब बस छींटे छींटे डाल के पानी डाल देना है। और आजकल जैसे बरसात का मौसम है ही, तो काफ़ी सारे पेड़ वैसे ही उग जाते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका हो जाएगा। मतलब एक हर्ब्स को खुद ही घर में ग्रो करने का, है ना। तो इसको अगर आपके पास लैंड नहीं है, जैसे हमारे पास लैंड है, अगर ऐसा कच्चा लैंड नहीं है तो कोई पॉट्स वगैरह हो सिंपल से, तो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, ऐसे हाथ से बिल्कुल बस पानी इस पर छिड़क दीजिए, एंड इज गुड टू गो, ठीक है फ्रेंड्स। फॉलो अप वीडियो ज़रूर देखिएगा, हमारे मस्टर्ड ग्रीन्स कैसे तैयार हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स।